बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी, जिसके लिए हमने लिया है मैदा। ये हमने 3 कप लिया है, बड़े बड़े कप जो होते हैं। ये हमने ईस्ट लिया है 2 टेबलस्पून भर के। ये हमने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच भर के चीनी लिया है। और हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसके अंदर हम ये सूखा हुआ दूध डालेंगे। ये हम सूखा हुआ दूध डाल देंगे, राइस भी डाल देंगे, ये दोनों चीज़ें भी डाल देंगे। अभी हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अंडा हम नहीं मिला रहे हैं। हम बगैर अंडे के बना रहे हैं। अभी और हल्के गर्म पानी से हम इसको गूंथ लेंगे और थोड़ा सा हमने ढीला गूंदना है, यानी कि टाइट नहीं गूंदना है। हमने गूंद लिया है, हम थोड़ा सा ऑयल लगा के हल्की सी बस फिनिशिंग देंगे और फिर इसको राइस होने के लिए रख देंगे हम। जब ये राइस हो जाएगा तो फिर हम इसके बन बनाएंगे, यानी पाव बनाएंगे। अभी हमने इसको रेस्ट करने के लिए 2 घंटे के लिए रख दिया है, मिलते हैं 2 घंटे के बाद। अब हम बनाने जा रहे हैं भाजी, यानी आलू की सब्जी, और ये मिक्स वेजिटेबल्स में डलेगा। ये हमने 4 आलू ले लिए, ये बटर है, हमने ये ऑयल ले लिया है, ये हमने 2 प्याज लिए, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, धनिया ऊपर डालने के लिए, टमाटर डलेगा, और ये गाजर लिए हमने, बंद गोभी, मटर, हरी मिर्ची, शिमला मिर्च, और नमक लिया है हमने 1 टेबलस्पून, ये हमने पिसी हुई मिर्ची ली है, ये हमने साबुत धनिया पीस लिया है, ये गरम मसाला है, ये भुना हुआ जीरा है, ये पिसी हुई सौंफ है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा हम ऑयल डालेंगे और थोड़ा ही हम बटर डालेंगे। इसका असल टेस्ट बटर से आएगा। हम बटर डालेंगे, हमारा बटर मेल्ट हो जाएगा। इसमें जब से हम प्याज डाल देते हैं, ये प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा पिंक रखना है, सॉफ्ट। इनको थोड़ा सा हाई कर देते हैं। और ये जो हमने वेजिटेबल्स लिए हैं, इसको हम हल्का सा गाजर, बंद गोभी और मटर को बॉइलिंग पे रख देंगे। आलू तो हमारा बॉइल है। हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई है थोड़ी सी, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, आप चाहें तो चॉप करके भी लहसुन डाल सकते हैं। हमने हरी मिर्च और शिमला मिर्च लिए, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमने जो सारे मसाले लिए थे, ये भी हम ऐड कर देंगे। और अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे, हमें अच्छे से भून लेंगे हम। इसका टमाटर सॉफ्ट भी हो जाएगा। अभी हम हल्का सा पानी डाल के पहले टमाटर को सॉफ्ट कर लेते हैं। टमाटर जब से सॉफ्ट हो गए, उधर हमारी वेजिटेबल सॉफ्ट हो रही हैं, फिर हम इसको अंदर आलू डालेंगे। हम इसको अच्छी तरीके से टमाटर को छोड़ लेंगे। अंदर अब ये आलू डाल देंगे। और ये मिक्स वेजिटेबल्स हैं, ये बॉइल हुई हैं, इनको भी हम डाल देंगे।
और इसमें हम थोड़ा पानी भी डालेंगे ताकि हम अच्छी तरीके से इनको घोल सकें। अब हम इसको ऐसे मैश करेंगे सारा ताकि अच्छे से सारा मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा राइस आटा कितना राइस हो चुका है और हम इसको ऑयल लगा के हल्का सा स्पंज कर देंगे। राइस हो चुका है माशाल्लाह से। हमें फिनिशिंग आ जाएगी। अब हम छोटे छोटे पेड़े बना के ऐसे हम पेड़े बना के दोबारा राइस होने के लिए इसको रख दीजिए आधे घंटे के लिए। ये हमने बन बना लिए यानी पाव बना लिए। उसमें हम इसमें हम जो है मिर्च लगा देंगे, बगैर इंडी के बनाएंगे या अलग ही। और बाकी का ये जो है इसमें हम अंडे लगाएंगे। ये देखिए अभी से राइस हो रहे हैं ये, तो थोड़ा सा राइस और हो जाएंगे तो फिर हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। अब हम इसको 180 डिग्री के लिए रख देंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारे बन जो है रेडी हो चुके हैं और ये हमारे वो वाले जो बगैर एग के थे ये वो हैं। अब हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। देखिए हमारी घुट गई है, बिल्कुल मैश हो गई है। ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और आधा हम रोक लेंगे ऊपर से डालने के लिए, बाद में बटर भी डालेंगे जब हम सर्व करेंगे। ये देखिए हम बटर लगा देंगे ताकि थोड़ी सी शाइनिंग आ जाए हमारे बन में। ये हमने ऊपर से सेसमी सीड ऊपर से डाल दिए थे। ये देखिए हमारा पाव बिल्कुल रेडी है, हम आपको निकाल के दिखाएंगे। ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट है, बन हमारे रेडी है। बहुत ज़्यादा गर्म है ये। ये हमारे पाव भी तैयार है, भाजी भी तैयार है। इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी। हमारी वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई वीडियो का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।